एक नंबर टिप्पणी चल रहा था कालांतर यदा कालांतरे बालकोत्पत्ति शुक्ति ज्ञानम शुक्ति ज्ञाने सती रजत ज्ञान से अनवस्तित्व बाध तदयुक्तम इत्यादि तत्काल शुक्ति ज्ञान का होने पर अब रजत ज्ञान टिकता नहीं है, इसी का नाम बाध है। यदि ऐसा कोई कहे यह उचित नहीं है। क्यों? यदि तद अनवस्तित्व में बाध रजत ज्ञान का अवस्थित न होने का नाम यदि बाद कहते हो तो शुक्ति ज्ञान काल में पूर्व में जितने भी यथार्थ ज्ञान आदि हुए थे वो भी तो उपस्थित नहीं रह जाते हैं, अवस्थित नहीं रह जाते हैं। क्योंकि सभी के मत में क्या है, जो वृत्ति ज्ञान पैदा होता है वेदांत मत में भी वो नाशवान है, नष्ट होगा, नया होगा, फिर नया होगा, फिर नया होगा। रजत ज्ञान नष्ट हुआ बाद में रजतम ज्ञान हो रहा है, तो उसका अनवस्थित होना यहाँ पर यदि बात कह देते हो, अन्य भी बहुत सारे यथार्थ ज्ञान तो इसमें अवस्थित नहीं, सब जो पहले हुए थे घट ज्ञान आदि वृत्ति ज्ञान है वो भी नष्ट हो गए, नहीं आए ले लो विमान से लो कोई भी है सब कहते तीन क्षण करता है कोई भी ज्ञान मन हृदय में मन में उस ज्ञान नष्ट हो जाता है, तब नया ज्ञान पैदा होता है, फिर वो नष्ट होता है, फिर अगला पैदा होता है। इसीलिए अनवस्थिति का नाम बाद नहीं हो सकता कि एक यथार्थ ज्ञान हुआ फिर दूसरे यथार्थ ज्ञान हुआ फिर दूसरे यथार्थ ज्ञान में क्या है काल में प्रथम यथार्थ ज्ञान अनवस्थित रहेगा, नष्ट होने पर तो दूसरा पैदा हुआ वो है ही नहीं अब, इसका मतलब क्या वो भ्रम है, मिथ्या हो जाएगा क्या वो। इसलिए अनवस्थित बाधा ये लक्षण भी आपका ठीक नहीं। यदि तद अनवस्थित बाधा तर तदानीतना सम्यक ज्ञानानाम अपनी आगे ना, तब तक जितने हुए थे सम्यक ज्ञान वे भी सब शुक्ति ज्ञान काले अनवस्थित तत्वात शुक्ति ज्ञान काल में अनवस्थित होने के कारण से तेषाम अभी बाध प्रसंग वो सम्यक ज्ञान का सबको भी मिथ्या कहना पड़ जाएगा। इसे एक ज्ञान काल में दूसरे ज्ञान का अनवस्थिति का नाम बाद कहना उचित नहीं है। लौटिया मूल में तब कालांतर स्थित बाधोपगमे तदानीतन सम्यक ज्ञान रपि मिथ्या ज्ञान नाम समत्व नाम बाद प्राप्त होती है ना। तत्कालांतर से क्योंकि एक काल में पहले रजत ज्ञान होता है फिर बाद में आप गए कालांतर में कुछ समय छोड़ करके नजदीक पहुंचे तब आपको श्रुति का ज्ञान हुआ, तो रजत ज्ञान के अनंतर कालांतर में जाकर के शुक्ति ज्ञान हुई है, तो शुक्ति ज्ञान काल में इसलिए रजत ज्ञान का ज्ञान टिका नहीं, अतएव रजत ज्ञान को बात कहना चाह रहे हैं। तो वास्तव में सच्चाई तो यह है इस बीच में जितने भी यथार्थ ज्ञान भी हुआ मैंने रजत ज्ञान के बाद आप चले आप पत्थर भी देख रहे हैं कि नहीं, पैर ऐसे थोड़े भाग रहे हैं, रास्ता देख रहे इधर उधर देख रहे, कोई देख तो नहीं रहा क्योंकि आपको लग रहा है वो चांदी का टुकड़ा पता नहीं किसी का हो रखा हो, हम ले तो चोर करके पकड़ ना ले, चारों तरफ देखते भी तो जा रहे हैं आप, ये सब यथार्थ ज्ञान हो रहे कि नहीं हो रहे। और जब वहां पहुंचने शुक्ति दिखा तब रजत ज्ञान के बाद में भी शुक्ति ज्ञान का पहले इस बीच में हुआ यथार्थ ज्ञान भी सब क्या हो जाते हैं शुक्ति ज्ञान काल में अनवस्थित रह जाते हैं, वो भी सब नष्ट होते जाते हैं। एक ज्ञान से नष्ट हुआ दूसरा ज्ञान पर दूसरा नष्ट हुआ तीसरा पैदा तीसरा नष्ट हुआ चौथा पैदा हुआ ऐसे होते होते वहां पहुंचे हैं आप। अच्छा उस ज्ञान काल शुक्ति ज्ञान काल में भी रज ज्ञान के अनंतर में हुआ जितने कितने थे तदानंतर सम्यक ज्ञान ही बहुत सारा सम्यक ज्ञान बीच में हो जाता है, वे सब के सब भी मिथ्या ज्ञान नाम समत्तम नाम मिथ्या ज्ञान की समानता आ जाएगी उनमें भी, क्योंकि ज्ञान से तत्वरूपा बाद का लक्षण समान है। न चेवम युक्तम ऐसा कहना ठीक नहीं, बीच में जितने ज्ञान हुए थे वर्तमान काल भावी नाम घटाधिक ज्ञान नाम सम्यक संभव कि वर्तमान काल भावी जो घटाधिक ज्ञान के बीच में वे सब सम्यक्त हो ही सकते हैं, वो मिथ्या थोड़ी है। अच्छा ठीक है, हम ज्ञान को नहीं पाते इदम रजतम इस ज्ञान को नेदम रजतम के द्वारा हम बाध नहीं करेंगे। फिर क्या बात कर रहे थे, बाध का मतलब क्या होता है, मिथ्या क्या है, किसको मिथ्या कर रहे हो, इंद्रिय को कर देंगे। अच्छा इंद्रिय विषयादि नाम संबंधो बाध, इंद्रिय और विषयादि जो संबंध इंद्रिय को नहीं इंद्रिय विषय संबंध को, इंद्रिय को पहले ले चुके इसे आप करें इंद्रिय और विषय संबंध को हम बाद में कहेंगे, कहते तन्ना ये भी नहीं हो सकता। क्यों? संबंध बाद ही
कथम ज्ञान जननम, ये संबंध का ये बाध हो जाए फिर तो ज्ञान पैदा ही कैसे होगा। बिना इंद्रिय विषय संबंध का कोई ज्ञान पैदा ही नहीं होता, इंद्रिय विषय संबंध के बिना कोई ज्ञान पैदा नहीं। यदि संबंध ही बाधित हो जाए फिर चक्षु का शुक्ति से जो संबंध हुआ था जिससे रजत ज्ञान हुआ, उस संबंध को बांधने के चक्कर में क्या होगा, चक्षु से होने वाला हर एक संबंध बाधित हो जाएगी। ये संबंध ही मिथ्या है, ये तो है ना कि शुक्ति के साथ जो चक्षु का जो संबंध हुआ था और उस संबंध में किसी कमी वजह से जो रजत ज्ञान हुआ, केवल एक संबंध को बात कहोगे ऐसा तो हो नहीं सकता। इधर से फिर रस्सी और चक्षु का संबंध है, वहां भी सर्प का संबंध हो रहा, सर्प ज्ञान उत्पत्ति हुई, ऐसे कितने संबंध हैं। इसलिए आप निर्णय कैसे कहोगे अमुक ज्ञान में हुआ उत्पत्ति का पीछे कारण ही वो था संबंध मिथ्या है और अमुक ज्ञान की उत्पत्ति के कारण वो था संबंध मिथ्या नहीं है, ये व्यवस्था कैसे दोगे। इसीलिए क्योंकि जिस समय जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा था उस समय संबंध तो बाधित नहीं था ना। आप बात कब कह रहे हैं, बात जब निर्मित ज्ञान पैदा हो गया, यह रजत नहीं है, ये निर्णय जब हुआ तब आप ये चिंतन करने लग गए। फिर वह क्या हुआ था पहले, निर्मितम कैसे पैदा हुआ था, इसकी चिंतन करते हुए आपने वो सबको मिथ्या कहने के चक्कर पड़ गए, भ्रम कह दिया उसको, लेकिन विचार नहीं कि आप उस ज्ञान को भ्रम कह रहे हैं, ज्ञान का विषय को भ्रम कह रहे हैं, ज्ञान के विषय का संबंध को भ्रम कह रहे हैं, ये इंद्रिय को भ्रम कह रहे हैं, किसको भ्रम कहना चाहते हो आप, क्या है वह भ्रम। ये विचार किए बिना सब रटे रटे बोले जा रहे हैं, निदम रतम निदम रतम को बात दिया, अरे रहे तो बाधेगा, अरे किसी को बाधना है तो वो सामने होना चाहिए ना, सामने है ही नहीं तो बाधेंगे कैसे। कि कोई भी ज्ञान चाहे मिथ्या ज्ञान हो यथार्थ ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो किसी भी सिद्धांत में स्थाई नहीं है। वृत्ति पैदा हुआ, वृत्ति से ज्ञान हुई, एक वृत्ति से घट ज्ञान हो गया, ये वही रह जाए फिर दूसरी वृत्ति से पट ज्ञान कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। हम लोग क्या कहते हैं, घट ज्ञान का संस्कार बन जाता है, ज्ञान हट गया दूसरी वृत्ति गई, दूसरा ज्ञान आ गया, तीसरा वृत्ति, तीसरे ज्ञान, अलग अलग ज्ञान होते जा रहा है लगातार। बल्कि धारावाहिक ज्ञान में भी देखो वेदांत परिभाषा में क्या था, धारावाहिक आयम घट आयम घट आयम घट आयम घट आयम घट बार बार हो रहा है, तब भी कहते नहीं ये सब अलग अलग है, अलग अलग कैसे है। अरे पहले वाला प्रथम क्षणावच्छिन्न ज्ञान है, दूसरे वाला द्वितीय क्षणावच्छ, काल भेद हो गया, क्षण भेद किया कि नहीं किया उन्होंने, अर्थात क्या है, एक क्षण में जो ज्ञान हुआ वह ज्ञान दूसरे क्षण में टिके गई नहीं, वही नहीं रह सकता अगले में, वो दूसरा ही होगा। चाहे देश भेद करो, चाहे काल भेद करो, चाहे वस्तु भेद करो, कोई ना कोई भेद करनी ही पड़ेगी। पहला वाला ज्ञान नष्ट होकर के दूसरा ज्ञान पैदा हुआ है, भले लगता दोनों एक जैसा अयंगट अयंगट, तब का पहले वाले को प्रथम क्षण अवच्छिन्न कह दो, और प्रथम क्षण दूसरे क्षण में नहीं रहेगा ना, वो तो नष्ट हो गया। इसे दूसरा वाला ज्ञान कौन सा है, द्वितीय क्षण अवच्छिन्न ज्ञान है, अलग कर दिया। कई विषय समान होगा, कई काल भेद होगा, कई काल भी समान है विषय भी समान है तो देश भेद माननी पड़ेगी। इमाओ घटो, दो घट का ज्ञान हुआ, दो घट का एक ज्ञान कैसे हो गया भाई, अरे इसीलिए है विषय दो है काल भी एक ही है, ये कैसा हो गया, कहते देश अलग अलग है, एक घट यहां एक घट वहां है, कहीं देश भेद करना पड़ेगा, इसे कहीं काल भेद से कहीं देश भेद से कहीं तो विषय भेद से, घट ज्ञान पट ज्ञान दो विषय भिन्न हो गया, दो ज्ञान भिन्न हो गया। इसके बिना आप घट एकता सिद्ध कभी नहीं हो सकता। इसे इनका कहना है जब वो दूसरा ज्ञान है ही नहीं, उसको बांधने के लिए प्रयास क्या करेंगे आप, संबंध बाधे ही कथम ज्ञान जनम, जो संबंध बाधित हो गया तो ज्ञान क्या पैदा होगा, कहीं भी कोई भी ज्ञान ही नहीं पैदा, समस्या खड़ी हो जाएगी।
ತಸ್ಮಾದ್ ಯಾವತ್ ಸೋಮಂ ವಿಕಲ್ಪತೆ ಸರ್ವತ್ರ ರಜತಾದಿ ಪ್ರಜಿತೋ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ನಿಷೇಧಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ನಿಕ್ಲಾ ಏ ಯಾವತ್ ಸ್ವಂಭಂ ವಿಕಲ್ಪೆ ಜಿತ್ನಿ ವಿಕಲ್ಪ ಉಠಾ ಸಕ್ತ ಉಠಾ ಕೆ ದೇಖ ಲಿಯಾ ಕಿಸ್ಕೋ ಭ್ರಮ ಕಹಾ ಜಾಯೆ ಹೈ ನಾ ವಿಚಾರ ಹೋ ಗ್ಯಾ. ಅನುಭವ ಕೋ ಭ್ರಮ ಕಹಾ ಜಾಯೆ, ಜ್ಞಾನ ಕೋ ಭ್ರಮ ಕಹಾ ಜಾಯೆ, ವಿಷಯ ಕೋ ಭ್ರಮ ಕಹಾ ಜಾಯೆ, ಸಂಬಂಧ ಕೋ ಕಹಾ ಜಾಯೆ, ಕ್ರಿಯಾ ಕೋ ಕಹಾ ಜಾಯೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಕೋ ಕಹಾ ಜಾಯೆ, ಕಿಸ್ಕೋ ಕಹಾ ಜಾಯೆ. ಹಮ್ನೆ ವಿಚಾರ ಕರ್ಕೆ ದೇಖಾ ಕಿಸಿ ಕೋ ಭಿ ಭ್ರಮ ಮಿಥ್ಯಾ ಸಿದ್ಧ ನಹೀ ಕರ ಪಾ ರಹೇ ಹೈ, ಕಾಲ ಕೋ ಭಿ ನಹೀ ಕಹಾ ಸಕೆ. ಇಸಿಲಿಯೇ ಹಮಾರ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಹೈ ರಜತಾದಿ ಪ್ರತೀತಿ ಮೇ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ನಿಷೇಧಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಕಿಸಿ ಭಿ ಅಂಶ ಮೇ ಆಪ್ ಉಸ್ಕ ಕಿಸಿ ಭಿ ಅಂಶ ಕಾ ಭಿ ಆಪ್ ನಿಷೇಧ ನಹೀ ಕರ ಸಕತೆ. ಇದಂ ರಜತಂ ಜೊ ಜ್ಞಾನ ಪೈದಾ ಹುವಾ, ಜಿಸ್ಕೋ ಆಪ್ ಭ್ರಮ ಕಹ ರಹೇ ಹೋ, ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಕಹ ರಹೇ ಹೋ, ಉಸ್ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ಕಿಸಿ ಭಿ ಕಾರ್ಯಾಂಶ ಲೇ ಲೋ ಚೆ ಕಾರಣಾಂಶ ಲೇ ಲೋ, ಕಿಸಿ ಭಿ ಅಂಶ ಕಾ ಆಪ್ ಬಾಧ ನಹೀ ಕರ ಸಕತೆ, ನಿಷೇಧ ನಹೀ ಕರ ಸಕತೆ ಕಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ. ಇದೆ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ಬಾಧಾರ್ಥ, ಇದೆ ಬಾಧಕ ಕೋಯ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋ ವಿಷಯ ನೀ ಇರೋ ಬಾಧಕ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಕೈ ಕಾಯಿಸಿ ಕ್ಯೂ ಕಹತ್ತೆ ಭಯ ಏತ ಹೋರಾನ ಶುಕ್ತಿಕ ರಜತಂ ನ ಭವತಿ ಐಸಾ ತುಂಬ ಬೋಲ್ ಸಕತೆ ಯೇ ಶುಕ್ತಿಕ ಹೈ ರಜತ ನಹೀ ಹೈ ಇದನ್ನ ತು ಕಹಿ ಸಕತಾ ಹೂ. ನೇದಂ ರಜತಂ ಇದಂ ರಜತಂ ಕೋ ಬಾತ್ ನಹೀ ಸಕತಾ, ಕೋಯಿ ಬಾತ್ ನಹೀ. ಇನ್ ನೇದಮ್ ಕಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಮೇ ಐಸಾ ತೋ ಕರ್ ಸಕತಾ ಹೂ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಯಹ ಶುಕ್ತಿಕಾ ಹೈ ರಜತ ನಹೀ ಹೈ. ಐಸೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ಕಾ ನಾಮ ಹಿ ಬಾತ್ ಹೈ. ಐಸಾ ಯದಿ ಕಹೋಗೆ ಇತಿ ಚ ನ ಬಾಧಃ, ಇಸ್ಕೋ ಭಿ ಆಪ್ ಬಾಧ ನಹೀ ಕಹ ಸಕತೆ. ಕ್ಯೋ? ಕ್ಯೋಂಕಿ ಆಜ್ ತಕ್ ಕಭಿ ಕಿಸಿಕೋ ಶುಕ್ತಿ ರಜತತ್ವನ ಪ್ರತೀತ ಹಿ ನಹೀ ಹುವಾ. ಭಯ್ಯಾ ಶುಕ್ತಿ ಕಾ ಹೈ ರಜತ ನಹೀ ಹೈ ಯೇ ಕಹನೆ ಕಾ ಪಿಚ್ಛೆ ಧರ್ಮ ಕಾರಣ ಹೋತಾ ಹೈ ನಾ. ಯಾ ಗರಂ ಹೈ ಠಂಡಾ ನಹೀ ಹೈ ಕೈಸೆ ಬೋಲ್ ರಹೇ ಹೋ, ಉಷ್ಣ ತು ಧರ್ಮ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಕೇ. ಇದರ ಶುಕ್ತಿ ಕಾ ಹೈ ಯಹ ಕರೆ ಶುಕ್ತಿ ತು ಧರ್ಮ ಕೋ ದೇಖ ಕರ್ ಕೇ. ರಜತ ನಹೀ ಹೈ ಕಹನೆ ಕೇ ಲಿಯೆ ಕ್ಯಾ ಆಪ್ನೆ ಕಭಿ ಉಸ್ಮೇ ರಜತ ತು ಧರ್ಮ ದೇಖಾ ಥಾ? ಕ್ಯೋ ನಿಷೇಧ ಕರ್ ರಹೇ ಹೋ ರಜತ ನಹೀ ಹೈ? ನಹೀ ಹೈ ಕೆ ಲೋಗ್ ತೋ ಕಹೆಂಗೆ ಹಮ್ನೆ ತೋ ದೇಖಾ ಹೈ. ತದಭಾವತಿ ತತ್ಪ್ರಕಾರಕೋ ಅನುಭವ ಏಕಾರ್ಥ ಅನುಭವ ಉನ್ಕ ಲಕ್ಷಣ ಹೈ. ರಜತತ್ವ ಭಾವ ವಾಲ ಶುಕ್ತಿ ಮೇ ರಜತತ್ವ ಪ್ರಕಾರ ರೂಪೇಣ ಇದಂ ರಜತಂ ಜ್ಞಾನ ಹೋನೆ ಕ ನಾಮ ಉನ್ಕೆ ಮತ ಮೇ ಭ್ರಮ. ಓ ತೋ ಕಹತೆ ಹಮ್ನೆ ಶುಕ್ತಿ ಮೇ ರಜತತ್ವ ಕೋ ದೇಖ ಲಿಯಾ ಥಾ. ಓ ತೋ ತೇರೆ ಜೈಸಾ ಪಾಗಲ್ ಕೌನ್ ಹೋ ಸಕತಾ ಹೈ? ಸೇವಾದ್ವೈತ ವಾಲಾ ಕಹೆಗಾ ತೇರೆ ಜೈಸಾ ಕೋಯಿ ಪಾಗಲ್ ನಹೀ ಹೋ ಸಕತಾ. ನಹೀ ಆಯಿ ಅರೆ ಕಿಸಿ ಕಾ ಧರ್ಮ ಕಿಸಿ ಮೇ ದೇಖ ಲೋಗೆ ತುಮ್, ಐಸೆ ಕೈಸೆ ಹೋಗಾ? ಐಸಾ ಕಭಿ ನಹೀ ಹೋ ಸಕತಾ. ಅನ್ಯ ಕಾ ಧರ್ಮ ಮೇ ಕೋ ಅನ್ಯ ಮೇ ದೇಖನಾ ಯಾ ಸಂಭವ ವಹೇ ಕರೆ. ನಹಿ ರಜತತ್ವೇನ ಶುಕ್ತ ಪ್ರತಿಪನ್ನ, ಶುಕ್ತಿ ರಜತತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಪನ್ನ ಐಸಾ ನಹಿ ಪ್ರತೀತೇ, ಐಸಾ ಕಭಿ ಪ್ರತೀತಿ ಹೀ ನಹಿ ಹೋಯಿ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಶುಕ್ತಿ ಕಾ ದೇಷ್ಟಾವಷ್ಟಂ ಬೇನ ಇತ್ಯಪಿ ನ ಕಿಂಚಿತ್. ಯದಿ ಕೋಯಿ ಕಹೆ ಶುಕ್ತಿ ಕಾ ದೇಶಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಮೇ ಐಸಾ ಹೋ ಗಯಾ ಥಾ, ಚಲೋ ಶುಕ್ತಿ ಕಾ ಮೇ ನಹೀ ಹುವಾ, ಲೇಕಿನ್ ಜಹಾಂ ಶುಕ್ತಿ ಕಾ ಥೀ ವಹಾಂ ಕುಛ ಚಮಕ್ ಗಯಾ ತೋ ಮುಝೆ ರಜತತ್ವ ಪ್ರತೀತ ಹುವಾ. ಶುಕ್ತಿ ಶುಕ್ತಿ ಮೇ ನಹೀ, ಶುಕ್ತಿ ಕಾ ದೇಶ ವೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಉಸ್ಮೇ ಮುಝೆ ರಜತತ್ವ ದಿಖಾ. ಕಹತೆ ತುಂದ ಔರ್ ಖರಾಬ್ ಹೋ ಗಯಾ ಸ್ಥಿತಿ. ಅರೆ ಶುಕ್ತಿ ಕಾ ತೋ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ಥೀ, ಉಸ್ಮೇ ತುಮನೆ ರಜತತ್ವ ದೇಖ ಸಕತಾ ಭೀ ಥಾ, ಭ್ರಾಂತಿ ಮಾನ ಭೀ ಲಿಯಾ ಜಾ ಸಕತಾ ಥಾ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಲೇಕಿನ್ ತು ತೋ ಅಬ್ ದೇಶ ಮೇ ಚಲಾ ಗಯಾ, ದೇಶ ತೋ ನಿರವ ಹೈ, ಉಸ್ಮೇ ರಜತತ್ವ ಕೈಸೆ ತೇರೆಕೋ ಭಾನ್ ಹೋ ಗಯಾ? ಶುಕ್ತಿತ್ವಾವಚನ್ ದೇಶ ಕಹ ರಹೇ ಹೋ ನಾ, ವೋ ದೇಶ ಕೈಸೆ? ಶುಕ್ತಿತ್ವಾವಚನ್ ದೇಶ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ? ವೋ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವೋ ಸಾವಯವ ಹೈ ಕ್ಯಾ? ತೋ ಉಸ್ಮೇ ತುಮೇ ರಜತತ್ವ ಕೈಸೆ ದಿಖಾಯಿ ದಿಯಾ? ಕಿ ರಜತತ್ವ ತೋ ಏಕ್ ಸಾವಯವ ರಜತ ನಾಮ ಕೆ ಪದಾರ್ಥ ಕಾ ಧರ್ಮ ಹೈ. ಉಸ್ಕೋ ಕಿಸಿ ದೂಸರೆ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ಮೇ ರಾಂಗಾ ಮೇ ದೇಖ ಭೀ ಲೇತಾ, ತತ್ ಸದೃಶ ಹೋನೆ ಕೆ ನಾತೆ ತೋ ಭ್ರಮ ಮಾನ್ ಭೀ ಲಿಯಾ ಜಾತಾ. ತುಮ ತೋ ದೇಶ ಮೇ ದೇಖ ಪಡೆ ತೋ ಔರ್ ಭೀ ಖರಾಬ್ ಹೋ ಗಯಾ. ಸರ್ವಸ್ಯೈವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಸ್ವರೂಪ ದೇಶತ್ವ ಕಿ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಯಾ ಹೈ, ಸಬ್ ಕುಛ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ್ ದೇಶ ಮೇ ವಿದ್ಯಮಾನ ಹೈ. ಸಾರಾ ಕಾ ಹೈ? ಸ
सारा चित्र कहाँ है? पर्दे में। पर्दे में क्या है? वास्तव में प्रकाश है, प्रकाश और कुछ नहीं। इसीलिए सारा एक प्रकाश देश में ही है, शिव में ही सारा चीज है कहने का मतलब। सर्वस्व प्रकाशमान स्वरूप देशत्वा, कि जो कुछ भी प्रकाशमान पदार्थ संसार में है वो सब कहाँ है? स्वरूप देश में ही है। वो कोई घट देश, पट देश, शुक्ति देश नाम का अलग अलग देश नहीं है, सब वास्तव में स्वरूप देश में ही है। सर्वथा यथा यत प्रतिभातम तथैव तत् नान्यता कर्तुं शक्यते। नियम ही है, सब प्रकार से विचार कर देखिए, जो जिस प्रकार से प्रतिभात है वह वैसा ही होगा, वो विपरीत कभी नहीं हो सकता, न कोई कर सकता। इति सत्यम ये बात बिल्कुल सत्य है, न किंचित मिथ्यात्म। इसलिए इस संसार में कुछ भी मिथ्या नाम का चीज है ही नहीं, सब कुछ वही है। सब कुछ वही है, सब सत्य ही है। ये तो, और इस बात को विस्तार से समझना चाहते हो, ईश्वर प्रतिविज्ञा तो अवसेयाम। ईश्वर प्रत्या प्रतिविज्ञा नीचे एक टिप्पण में श्लोक दिया है, उनको देखेंगे। उससे पहले दो नंबर तीन नंबर टिप्पणों को देख लीजिए। ये जो अंतिम बात जो कही थी, जो मूल में नहीं था बात उठाया, मूल में तो संबंध तक विचार आया था, अंत में जो कहा ना सुक्त का रजतम न भवती, ऐसा विचार कहां से आया? बौद्धों से। वही बता रहे थे आचार्य धर्म कीर्ति मतमाह शुक्ति के थी, यथा शुद्धम भूतल घटाभाव तन निबंधन घटाभाव व्यवहार से। कहते हैं उनके मत में क्या है, कभी किसी का अभाव होता नहीं। आप करें घटाभाव है, यहां घटाभाव मैं देख रहा हूं, बोलते हो आप नहीं है एक लोग वगैरह। वो पूर्व पक्षी पूछता है बौद्ध भाई बताओ यार तुमको क्या दिख रहा है, सच सच बताओ, घटाभाव दिख रहा है या भूतल दिख रहा है? भूतल दिख रहा है, और भूतल में तुमको घटाभाव दिख रहा है, ये कैसे तुम कह रहे? क्योंकि घटाभाव क्या सावयव पदार्थ है? फिर कैसे निरवय भी नहीं, सावय भी नहीं, वो अभाव है। सावय होता हमारे आंख भूतल पर उसको देख लेता, यहां घट का भाव। निरवय के साथ चक्षु का संबंध नहीं हो सकता, देखने का मतलब ही नहीं रहा, इसे वो प्रश्न नहीं उठाएंगे। निरवय क्या प्रश्न नहीं डालेंगे, अभाव को इसलिए प्रश्न, क्यों हम कहां से किसे देख रहे हो आप? चक्षु से किसको देखा जा सकता है? तो अभाव कैसे देख लिया आप? इसीलिए सब गलत बोलते नहीं है लोग, सब लोग हमने भूतल में घटा भाव को देखा, झूठ। आप भी बोलते या घड़ा है क्या? अब हमें घड़ा नहीं है बोल देते हो आप लोग, व्यवहार है, सब ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, नहीं आए कौन क्या आधार पर ही। उस कमरे में घड़ा देख गया हो गए, हाँ वहां घड़ा नहीं है, आकर क्या बोलोगे? नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? और कहोगे वहां कहने के लिए जमीन जमीन दिखा और कुछ नहीं दिखा, टेबल कुर्सी दिखा, लेकिन घट नहीं दिखा, ये तो नहीं बोल सकते, ये देखने की चीज है ही नहीं अभाव। फिर कहोगे क्या? लेकिन इसलिए वेदांति ने अनुपलब्धि प्रमाण ढूंढा, वहां कहा यदि घड़ा यहां होता तो मुझे मिलता, यदि इस कमरे में घड़ा होता तो मैं अपने आंखों से देख के उसको उपलब्ध कर लेता। जिसने मुझे उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अनुमान एक तरह से अनुपलब्धि के आधार पर निर्णय ले रहा हूं कि इस कमरे में घट नहीं है। कभी नहीं कहेगा वेदांती किसी अभाव को मैंने आंखों से देखा, ऐसा कभी वेदांती नहीं कह सकता। यह अनुपलब्धि प्रमाण का विषय है, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है अभाव। इसे उन्होंने अनुपलब्धि अलग प्रमाण माना, ये चक्कर में हटा दिया, वो सही तरीके निकाला उन्होंने, वो सही है। ये तो नहीं करा अभाव मुझे दिखेगा, किसे दिखेगा? यहां शब्द नहीं है, हम लोग बोल देते हैं नहीं शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम अनुमान में अनुपलब्धि से निश्चय करना पड़ता है, इस क्षेत्र में निःशब्दता है। ये नहीं कहते तो मैंने शब्द नहीं सुना, कहीं सुनने की चीज होती है शब्द का अभाव? शब्द सुन सकते हो, नहीं शब्द नहीं, शब्द अभाव को सुन सकता है क्या कोई? फिर श्रोत्र शब्द का अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होगा?
इसलिए कहा था यदि यह शब्द होता इस दिशा इस देश में तो जरूर मेरे कान सुन लेता। इसका निष्कर्ष निकलता है इस पूरे क्षेत्र में निःशब्दता है। ये वेदांत की प्रक्रिया इसके बनाई क्या अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता, बहुत इसके नजदीक है, बहुत भी कहता है अभाव नाम कोई चीज नहीं है, जो कुछ है भूतल ही है। ये अंतर दोनों में, वेदांति कहते अभाव नाम कोई चीज है वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं, अनुमान का विषय नहीं, किंतु अनुपलब्धि का विषय है। बहुत कहता है अभाव ही नहीं, अधिकरण जो है वो उतनी है, बस भूतल भूतल है, घटा वोट कुछ नहीं, भूतल ही घटा भाव है, भूतल घटा भाव तो निबंधन, क्योंकि वही कारण है घटाभाव व्यवहार के प्रति। तथा शुद्ध भूतल ज्ञानम एवं यथा घटाभाव ज्ञानम, इसीलिए शुद्ध भूतल का ज्ञान को ही घटाभाव ज्ञान कहा जाएगा। तथैव इसी प्रकार से शुद्ध का ज्ञान गत यथार्थ प्रकाशन लक्षण प्रामाण्य संदेह संवेदनमेव शुक्त ज्ञान स्व संवेदना अनतिरिक्तम यत प्रकाशित तदोच्चते। शुक्ति का ज्ञान से उत्पन्न जो यथार्थ प्रकाशन रूपा प्रामाण्य संवेदन जो हुआ, यही शुक्ति का ज्ञान का स्व संवेदन से अभिन्नता है, स्वप्रकाशता से अभिन्नता है। ऐसा जो प्रकाशित होने का नाम ही शुक्ति का ज्ञान होना। शुक्ति विपरीत रजत ज्ञानगत अयथार्थ स्वभाव अप्रामाण्य संवेदनम सैव बाधित करता। कहते ये कैसा निर्णय हुआ, शुक्तिका का ज्ञान प्रामाण्यता का संवेदन कराता है और इदम रजतम ज्ञान अप्रामाण्यता का संवेदन कराता है, ये कैसे निर्णय होता है? प्रवृत्ति के अनंतर निर्णय होता है, उस समय नहीं हुआ। यदि सफला प्रवृत्ति है, संवादी प्रवृत्ति है, यथार्थ प्रामाणिक। यदि विफला प्रवृत्ति हुई, विसंवादी प्रवृत्ति हुई, वो अयथार्थ। इसलिए वहां पंचदशी का बहुत सुंदर दृष्टान दिए थे, दो चोर एक साथ चले चोरी करने, रात में तो जाएंगे रात में, और उनको दो जगह से जो है प्रकाश दिख रहा था, दो छिद्रों से, एक दरवाजे के छिद्र से यहां से प्रकाश आ रहा, दूसरा वहां एक दरवाजे छिद्र से आ रहा। उन प्रकाश इसने एक ने सोचा ये मणि का प्रकाश, दूसरे ने भी सोचा ये भी कोई रखा हुआ मणि का प्रकाश, स्वतः निकालते ना माला निकाल कर रख देते हैं, माला का मणि चमक रहा है, दोनों ने यूं सोचा। और दोनों ने सोचा आज दोनों हम दोनों को बढ़िया बढ़िया मणि चोरी में मिलेगा और दोनों आज बढ़िया कमा लेंगे। दोनों गए, एक गया वो उनके घर के मंदिर था, वो अंदर घर के अंदर उसमें था, तो वहां से उसको मणि मिल गई भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ। और दूसरा गया वो अंदर दीपक जला के बच्चा पड़ रहा था, दोनों को मणि की प्रभा समझ में आई थी, दोनों की प्रवृत्ति मणि प्राप्ति के लिए था, एक को दीपक मिला दूसरे को मणि मिला। जिसको दीपक मिला जाने पर वो कहेगा ये जो मणि प्रभा का ज्ञान था वो अयथार्थ अप्रामाणिक, और दूसरा जिसने मिला मणि वो कहेगा मुझे जो मणि प्रभा का ज्ञान था वो प्रामाणिक था। दोनों को मणि प्रभा ज्ञान हो रहा है, प्रामाणिक और अप्रामाणिक संवेदन संवादी और विसंवादी प्रवृत्ति के आधार पर नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं ये शुक्ति का है, रजत नहीं मेरी प्रवृत्ति, इसलिए वो बोलने की हुई है क्योंकि पहले मुझे इसी जगह पर देखने पर रजत भान हुआ था, वह अप्रामाणिक निश्चय हुआ कि जब मैं प्रवृत्त हुआ मुझे शुक्ति का मिला रजत नहीं। ऐसी व्यवस्था बहुत देता है वो भी ठीक नहीं। अत्र उत्तर माह नहीं रजत इत्यादि ना अयम भाव, यदि शुक्ति का रजतत्व प्रतिपन्न इति तदा भवेत प्रतीतिरियम तद अभावे अति प्रसंगित। यदि शुक्ति का को रजतत्व किसी ने निश्चय कर लिया होता तब आपकी सारी बात कहना ठीक था,
लेकिन वह रजतत्व कभी निश्चय हो ही नहीं सकता शक्ति का, तद अभाव आदि प्रसंग। तीन नंबर टिप्पणी, शक्ति का देश को लेकर जो कहा था वो भी नहीं हो सकता, क्यों? अति इधानीम सर्वदा शक्ति रजता दो प्रतीति अनुदयात तद आधार कल्पनिया बाधा। ठीक है, चलो शुक्ति रजत आदि में प्रतीति हो नहीं सकती है, तो ऐसा करो शुक्ति जहां था उस आधार में उस देश में मुझे रजत की प्रतीति हो गई, मेरी कल्पना हो गई, ऐसा उस कल्पना को मैं बांध रहा हूं नेलम रजतम के द्वारा। ऐसे यदि कोई कहे तो कहता नहीं भाई ये नहीं हो सकता, नहीं आलंबनता युक्ता संनिधान निबंधना तदेव आलंबनम बुद्धेर यदस्यम अवभासते अन्यदालमनम अन्य भातीति भणिर भणितिर्नवा। कहते कि भाई आलंबन अन्य है, प्रतीति अन्य हो गया, आप ऐसे कैसे कर सकते हो भाई? आलंबन कुछ था और प्रतीति उस आलंबन को लेकर के कुछ और हो गया। शुक्तिवचन देश, वो तो एक देश था, आलंबन ने अपने देश ली और उस आलम ने क्या प्रतीति हुई? रजत की। ऐसे कैसे हो गया भाई? आलंबन के अनुकूल प्रतीति होनी चाहिए, विरुद्ध तो नहीं होना चाहिए। आपने शालिग्राम रूपी आलंबन की पूजा की और शिवजी प्रकट हो गए उसमें, ये कैसा हो जाएगा? अरे शालिग्राम है, विष्णु की भावना से आपने पूजा किया तो विष्णु ही तो प्रकट होगा। नरेंद्रेश्वर है, शिवजी की भावना से किया यदि प्रकट होंगे तो शिवजी प्रकट होंगे, और कौन आएगा? जैसा आलंबन होता है उसके अनुरूप ही उसका प्रतीति होनी चाहिए। आलंबन कुछ और है, प्रतीति कुछ और हो जाए, ये तो नहीं हो सकता है। अंतिम पंक्ति अर्थ क्यों ऐसा दृष्टांत दिया, ऊपर समझा रहे, नहीं आलंबनता युक्ता सन्निधान निबंधना, सन्निधि रूपी हेतु को लेकर के, सन्निधि नजदीक में वो देखा, ये संबंध रूपी हेतु को लेकर के आलंबन शुक्ति देश रूपी आलंबन ही मुझे रजत रूप में देखा, ऐसा नहीं नहीं कह सकते। क्यों? कि तदेव आलंबनम बुद्धेर ये दस्याम अवभासते, जो इस में संवित में प्रकाशित होता है बुद्धि का वही आलंबन होता है, और कोई दूसरा आलंबन नहीं होता कभी। बुद्धि का आलंबन वही है जिस प्रकाश में यह विषय प्रकाशित हो रहे हैं, वही वास्तव बुद्धि का आलंबन होता है। बुद्धि कभी इसको उसको आलंबन नहीं करती है, इसको उसको पकड़ने की सामर्थ्य ही नहीं बुद्धि, बुद्धि भी जड़ है, वो भी जड़ है, ये दूसरे को कैसे आलंबन मन के ज्ञान कर लेंगे? बुद्धि का आलंबन हमेशा चैतन्य। इसलिए वेदांती क्या बोलते हैं, तालाब है, दृष्टांत है ना वेदांत परिभाषा में, अंतकरण को एक तालाब समझो, वो वृत्ति रूपी पानी का टंकी है। वो ये वृत्तियां क्या है? पानी जैसे उस तालाब में पड़े या टंकी में पड़े हैं, वहां से क्या क्या तालाब से नहर निकालते हैं आप, या टंकी हो तो पाइप निकाल देते हैं, क्यारी बना दिया, पानी जा रहा है नाली में। और एक छिद्र क्या है आपका? उन्हें भी यही जान दी इंद्रियां हैं, जिनके मार्ग से वृत्ति रूपा पानी बाहर, ये वृत्ति इसलिए नाली जैसे बन गई, और वो कहा जाएगा जिस विषय में गया तदाकार को प्राप्त हुआ। ये तो कहते हैं जिस क्यारी में जाएगा पानी, जैसा क्यारी का आकार वही आकार पानी ग्रहण कर लेता है, वृत्ति तदाकार को प्राप्त करी। इन्हें सब कैसे हुआ? आपने क्या कहा? ये अंतकरणावचिन चैतन्य है, वृत्तिवचिन चैतन्य है, विषयावचिन चैतन्य को छोड़कर कहीं संबंध हुआ? वृत्ति का भी आलंबन चैतन्य, विषय का भी आलंबन चैतन्य है, अंतकरण का भी आलंबन चैतन्य है, सबका आलंबन चैतन्य तो है। चैतन्य आलंबन छोड़ देगा तो बुद्धि भी किसी चीज को ज्ञान नहीं कर सकती। इसीलिए किसी भी ज्ञान पैदा हो रहा है, इदम रसतम हो रहा है चाहे निदम रसतम हो रहा है, कोई भी ज्ञान पैदा होता है उसका पीछे बुद्धि का आलंबन तो एकमात्र स्पूर्ण शक्ति है चैतन्य। इसलिए ये तो देश आवच्छिन्न, ये देश वगैरह भी वास्तव में आलंबन होता ही नहीं। तदत्र इत्थं संक्षेप आगे एक नंबर टिप्पणी देखिए,
ईश्वर प्रतिविज्ञा में क्या इस बारे में कहा है कि सब कुछ चेतन ही है। स्वरूपमेव खल्वे तद् गृह्णात्यात्मानमात्मना बहिर्निरूप्यमानस्य ग्राह्यस्य अनुपपत्तितः स्वरूपं सततभासं तेन तेनात्मना बहिः तद् वहत्यत् शून्यं वै लोकयात्रां इहेदृशीं। लोकयात्रां इह ईदृशीं कहते हैं स्वरूपं खल्वेत। इस बुद्धि के द्वारा आत्मना मैंने बुद्धि के द्वारा आत्मानम इस बुद्धि आत्मानम स्वरूपम एव आत्मरूपी स्वरूप को ही एतद् गृह्णाति ये इंद्रियां अंतकरण आदि ग्रहण करते हैं। मैंने जो कुछ भी हम देख रहे चैतन्य को ही देख रहे कुछ नहीं। अब क्या देखते हैं जब लड़ियां लटकती रहती हैं है ना, जब कोई भी त्योहार मनाते हैं उत्सव मनाते हैं शादी मनाते क्या होते हैं लाइट की लड़ियां लटक रही हैं अलग अलग प्रकार अलग अलग रंग बिरंग के ट्यूबलाइटें भी विचित्र विचित्र लगा देते हैं रंग बिरंगी अनेक प्रकार की वहां पर लगा रहता है। क्या देख रहे हैं आप सब वो बिजली के सिवा कुछ दिख रहा है वहां केवल बिजली अनेक रूपेण भाषित हो रहा है। अंदर जाओ अंदर भी क्या हॉल में पंखे लग रहे हैं वहां भी पंखा चल रहा है तो क्या है वो वास्तव में वहां बिजली भाषित हो रहा है बिजली उस रूप में भाषित होता है पंखे के रूप में चलता हुआ पंखा। कूलर चल रहा है तो बिजली उस रूप में भाषित हो रहा है। जो कुछ भी चमत्कार आप देख रहे हैं एक बिजली ही अनंत रूप में आप देख रहे हैं। उसी प्रकार से हम जो कुछ भी ग्रहण कर रहे घट पट मट संसार जो कुछ भी ग्रहण हो रहा है एक चैतन्य को इस रूप में देख रहे हैं। खते फिर बाहर क्यों देख रहे हैं मैं ही हूं ये सब, फिर घटो अहम क्यों नहीं बोलते हो अयं घट क्यों बोलते हो यह घट है क्यों बोलते हो। जब मैं जो चैतन्य ही घट में भाषित हो रहा हूं तो क्या बोलना चाहता मैं घट हूं ऐसा बोलना चाहिए ना। लेकिन आप करें यह घट है अपने से बाहर क्यों देख रहे हो कहते यही तो अविद्या माया का खेल। बहिर्निरूप्यमानस्य ग्राह्यस्य अनुपपत्तितः वास्तव में जो बाह्य रूप निरूपण कर रहे हो उसकी उपपत्ति हो ही नहीं सकती आप सिद्ध ही नहीं कर सकते कुछ भी बाहर। जैसे स्वप्न जगत आपके बाहर नहीं है वैसे यह जागृत जगत भी इस चैतन्य से बाहर नहीं है। सब कुछ चैतन्य में ही कल्पित है। इसलिए श्लोक आधार एक श्लोक में कहा ना दक्षिणामूर्ति का विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजा अंतर्गतम पश्यन आत्मनि मायया बहिरीवोद पश्यन आत्मनि मायया बहिरीव बहिर इव उद्भूतम यथा निद्रया बाहर के समान उद्भूत होकर दिख रहा है। जैसे निद्रा रूपी दोष के वजह से आपको स्वप्न दिखता वैसे माया के वजह से ये सारा ब्रह्मांड भीतर ही अनंत आनंद ब्रह्मांड जो बाहर आप भाषित मान रहे हो वो सब आपकी आत्मा में ही कल्पित होते हुए भी इस माया के वजह से अपने से बाहर अपने से अलग दिखाई दे रहा है। स्वरूपम सतताभासम इसलिए आपका स्वरूप ही तेन तेन आत्मना भई ही सतताभासम भवती आपका अपना स्वरूप ही तेन तेन घटपटादि रूपेण बहिरिव सतत आभासम भवति निरंतर आभास हो रहा है। तद वहति अर्थशून्यम वास्तव में इन सब को आत्मा क्यों ढो रहा है अपने में कहते अर्थशून्य कोई प्रयोजन नहीं इस कल्पना का। लोकयात्रां ईदृशी ये सारी लोकयात्रा यहां पर आत्मा में इसी प्रकार से चल रहा है। झूठी जन्म झूठी शान झूठी मरना झूठा ऑफिसर बनना झूठा विद्वान बनना झूठा गुरु झूठा चेला सब झूठा। न गुरोर नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवः न भोक्ता न भोज्यं न भोगं चैव
सार निषेध कर दिया। दश श्लोकी में सब निषेध पर व्याख्या शुरू।